Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पेशावर में रिंग रोड पर निजी अस्पताल के करीब धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने दहशतगर्दी की दूसरी कोशिश नाकाम बना दी। 34 किलो बारूदी मवाद और बड़ी तादाद में डेटोनेटर्स बरामद। छापे में 2 मुबय्यर भी धर लिए गए। एक दहशतगर्द भाग निकला। मुल्क भर में आज में मुहर्रमुल हराम के जुलूस। कराची समेत सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। जुलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नए नैब कानून में जजों और जर्नैलों के एहतसाब की तजवीज भी। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं नए कानून पर इत्तेफाक राय बरकरार है, तहम करप्ट प्रैक्टिस की तारीफ और कानून के दायरे कार पर फैसला होना बाकी है। चान और इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंसेज में नैब की पेशरफ्त। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में एहतसाब अदालत की कार्रवाई की ऑर्डर शीट भी शामिल। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वकास डार ने निगरान जज को गवाहान की फहरिस्त भी फराहम कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन को एहतसाब अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर्स के दाखिले में मुश्किल से भी आगाह कर दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी तापन मलिक ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। ये निजी नौयत की मुलाकात थी जिसका मकसद कुलसुम नवाज की खैरियत दरियाफ्त करना था। परवेज रशीद की तस्दीक। भुट्टो कत्ल केस का फैसला FIA ने भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान को ठोस शवाहिद के बावजूद बरी किया। मसरूका माल भी बरामद हुआ था। 2 साबिक पुलिस अफसरान को सिर्फ 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई। FIA का अपील में मौकिफ। कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर की तब्दील। तरीके इंसाफ, MQM पाकिस्तान, अवामी मुस्लिम लीग और काफ लीग का गठजोड़। शेख रशीद और परवेज इलाही के नामों पर गौर। सूरत हाल पर ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग। नई अमरीकी पॉलिसी के तनाजों में क्या पॉलिसी बनाई जाए। वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास में सियासी और अस्करी क्यादत की बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने वजीर खारजा को ओहदे से बरतरफ करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयानात में भारत और अमरीका को खुश करने में कोई कसर। वफाकी हुकूमत वजाहत तलब करे करारदाद का मतन। बलोचिस्तान में सैकड़ों असातिज़ा की जाली भर्तियों का इंकशाफ। जाली भर्तियां महकमा तालीम और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की मिली भगत से हुई। नैब ने सुराग लगा लिया। पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते, हमारा नाम ECL में डाला जाए। कराची में पाक तुर्क स्कूलों के असातिज़ा ने मुबैना गिरफ्तारियों और बेदखली पर सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। समंदरी रोड फैसलाबाद पर ट्रैक्टर ट्रॉली और वैन में तसादुम से जख्मी। मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। हादसे में जांबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। पेट्रोल फिर महंगा करने की। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 2.36 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.20 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। खवातीन किसी से कम नहीं। कोयटा पुलिस में खवातीन मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाती हैं। जब भी ड्यूटी की कॉल हो फौरन पहुंच जाती हैं। जब भी मुझे ड्यूटी के लिए कॉल आती है मैं फौरन जाके रिपोर्ट करती हूँ अपनी ड्यूटी पर। हर जगह मेल नहीं होते हैं, फीमेल को खुद जो है ना अपनी मदद आपके तहत बढ़ना। हाँ आके देखें हमारी इवन लेडीज जो हैं वो बाइक चला रही हैं, गाड़ियाँ चला रही हैं। मुंबई रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 27 अफराद हलाक, 30 जख्मी। बारिश के बाईस रेलवे स्टेशन पर सर छुपाने के लिए मामूल से बहुत ज्यादा अफराद मौजूद थे। अमरीका ने एटमी मुहिदा खत्म किया तो ईरान के पास दूसरे रास्ते मौजूद हैं। मुहिदे की पासदारी में अमरीका का ही फायदा है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का TV इंटरव्यू।